लदा एक्सप्रेस चैनल हंगामा रक्सस बदगा मोहम्मद मूसा प्री करगिल विजय दिवसी लोहसो खुरता सुनमल लख्यौन तान ये नामी शोसना दयाना चोखला दिरिंग ओल्ड वार मेमोरियल करगिल हेलीपेड हिकांग इंडियन आर्मी चोसना मिलिट्री इक्विपमेंट डिस्प्ले जसुतिन गावेनुक मिलिट्री गोस इक्विपमेंट रिक कोल बद फैसा जंग तुसिन अनुक दोन दरेस्तान यतिन फैसा लोहसो स्कूली फ्रूनिस खगलन यतिन यंतिर तस्वीर नजर न अपाची आकाश रडार दुमिन में खिमे थी अनुक मिलिट्री इक्विपमेंट से दुनिक स्थान एन सी सी चौसना दिकार स्टॉल जसुतिन गाँव अनुक शून लहागो सल नितिन इंडियन आर्मी यूम मिंग ना गत सो गई कोर्स रे किलिन मार्गोस पजरे जनान चोखला दिरिंग सी इवेंट पे अनुक खिमे थी अनुक मिलिट्री आर्मी चौसना लोसो इक्विपमेंट ही डिस्प्ले जसुतिन यंता सब ऑफिस पर रिपोर्ट से लग चुके दिरिंग सी इवेंट पर नजम से यंतल तेन जुक्स लदाख एक्सप्रेस ऑडियो एंड वीडियो जब आपने देख लिया ऑडियो एंड वीडियो जब दोनों से इंडिकेशन आएगा पहले लॉक ऑन होगा लॉक ऑन के बाद लॉन्च होता है जब ये ट्रिगर से प्रेस करते हैं इसको और ये रबर पोर्शन इसलिए पकड़ना है कि ये नाइट्रोजन बोतल है एक मिसाइल के साथ दो नाइट्रोजन बोतल मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कनीज फातिमा है और मैं टीम स्ट्रीमो की टीम लीडर हूँ। तो आज हमारी टीम ने भी केवीडी में पार्टिसिपेट किया था तो हमारे ग्रुप को ग्रुप के मेंबर्स ने पोजीशन होल्डर किया है तो उन्हें हमें यहाँ पे प्राइज दिया गया और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे इंडियन आर्मी मटेरियल्स बनाया है मिसाइल्स बनाए हैं तो वी आर वेरी प्राउड। जय हिंद जय भारत। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तहरा है, मैं एलओसी कासर से हूँ जहाँ पे सौरभ कालिया शहीद हुए थे। हम लोग आज यहाँ पे मेले में आए हैं जो आर्मी ने बनाया है, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी और सीखी, आर्मी के इक्विपमेंट्स के बारे में हमें पता चला और हम आर्मी का बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये मैं असद अकबर दिंग अचंग दी का खुएँ आर्मी पे डिस्प्ले देने को सुपा कि वॉर रंगा का इक्विपमेंट सब खुन यूज़ बस पिंजर आर्यून लचिकता आदि के खून पेन अच्छा नदी का मन अच्छा एक्सपोजर मंगमो चुक दू मिन माई एन सी सी हिस्ट्री बारे में खुएँ गागा यूनिफॉर्म उत्सु अरुण बारे यूमिन मदियंग मंगमो इक्विपमेंट साख दुख जैसे कि खुएँ रेडार साख दुख दून सा चौदह बाद से इक्विपमेंट खुन इज एक्सप्लेन आ गए ट्रेवल चुस्ते थे जो दस एक थे रियल खाना था मतलब ना दें छः छः मिलो याले तो मन इजम बेनिफिट ना मतलब मुझे याले इन इजम रियल ना गाड़ी ना मापू तो याले आर्मी सो इजम बेनिफिट मापू सो सर यहाँ पे बहुत बहुत ही जो आर्मी के इक्विपमेंट्स है जो जंग में इस्तेमाल किया जाए हमने वो सब देखा सर। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे मिसाइल्स है जो 720 केजी का जो मिसाइल लॉन्च करता है सर। ये बोला सर हम यहाँ पे बहुत ही और ज़्यादा स्टॉल्स आर्मी के अलग अलग स्टॉल आए हैं जहाँ पे एक्सप्लोजिव चीज़ को डिफ्यूज़ करने का सामान सब यहाँ पे है सर। और यहाँ पे टैंक विंग भी है और यहाँ पे सभी बच्चों को अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ऐसे देखने का मौका मिला। हम वो यही कहना चाहेंगे आर्मी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोगों को ऐसे एक्सप्लेस करने का मौका मिला सर। दिन दी का कारगिल विजय दिवस ही वेपन डिस्प्ले फिल इंडियन आर्मी तरफ से सर लिया दैन अनुपुंग अति हर हर चीज़ से स्टॉल लेप से दुख सर दिया NSS NCC बना दिए वुमेन एम्पावरमेंट बारे सर ऐसा जी का NCC तरफ से GDC पॉलिश कारगिल की तरफ से दैन NCC कैडेट्स को जो जो इक्विपमेंट्स होता है जो यूनिफॉर्म और जो जो इक्विपमेंट्स है उनको हम यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए आए हैं।